time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक, माय डियर मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डियर, अन अकेडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करें। एंड जो भी स्टूडेंट अन अकेडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, यूज अवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइफ। आपको पल्लव लाइफ कोड यूज करने से क्या एडवांटेज है? फर्स्ट वन इज आप सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम डिस्काउंट जो अन अकेडमी पर अवेलेबल है वह मिलता है। सेकेंड थिंग इज आप सभी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस मिलता है ताकि आपको कैसे प्रिपरेशन को प्लान करना है, कैसे आप सभी स्टूडेंट को लास्ट सिक्स मंथ का प्लान होना चाहिए, कैसे आपका ईयरली प्लान होना चाहिए, कैसे आप सभी स्टूडेंट को टेस्ट का एनालिसिस करना, आप ये सारी चीजें डायरेक्टली डिस्कस कर पाएंगे। आप सभी स्टूडेंट को मिलता है यहाँ पर सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप सभी डाउट डिस्कस कर पाएंगे मुझसे। आप सभी स्टूडेंट को मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके
इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी स्पीड में, एक्यूरेसी में, टाइम मैनेजमेंट में, आप सभी स्टूडेंट्स को मिलता है डेली डोज कंसेप्ट, ताकि आप सभी लोग मूव कर सके गेट एग्जाम की तरफ, जो आपका एम है उसके तरफ डेली एक स्टेप मूव कर सके, और जितने भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करें बाय यूजिंग आवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइव, एंड ओनली पल्लव लाइव टीम मेंबर्स विल गेट ऑल दीज एडवांटेजेस। एंड सर, अभी न्यू बैचेस की बात की जाती है, सर अभी कौन से न्यू बैचेस है? माय डियर फ्रेंड, अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एस्केलरेट बैच फॉर सीएसआईटी स्टूडेंट, टारगेट बैच फॉर इलेक्ट्रिकल प्रीलिम्स स्टूडेंट्स, एस्केलरेट एंड आर1 बैच फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एस्केलरेट एंड आर1 बैच, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एंड ईसीई स्टूडेंट्स के लिए एस्केलरेट बैच, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट गेट 2022, गेट 2023, ईएससी 2022, ईएससी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड विदाउट एनी डिले ज्वाइन एन अकेडमी प्लस नाउ, ताकि आप सभी लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके, और जितना आप लेट करेंगे माय डियर उतना ही आप अपनी रैंक में पीछे होते जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे वे में स्टडी करें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करें। तो माय डियर, आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फीचर निकाला है कि आप सभी लोग आस्क अ डाउट फीचर में एडवांटेज ले सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको यहां पर उसके वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस फीचर का एडवांटेज लें, ताकि अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको उसका सॉल्यूशन मिले। एंड अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है माय डियर, तो प्राइस हाइक होने से पहले आप सभी लोग यूज करें अवर टीम कोड ऐसा पल्लव लाइव एंड ज्वाइन करें अनअकैडमी को, क्योंकि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सभी नोट्स से सभी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि आपको उन सभी का इंपॉर्टेंट आपको फील करना पड़ेगा, कि अगर आप उसे सही से नहीं करते तो माय डियर फ्रेंड आप फुटबॉल की तरह पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे और आपका जो एम है गोल में जाना आप वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यस मेरा गोल हो, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग ज्वाइन करें हमारी पल्लव लाइव टीम को, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड टीम है फॉर गेट एंड ईएससी एस्पिरेंट। एंड जो स्टूडेंट किसी रीजन से अभी पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, माय डियर अभी आप स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कूलिंग फैसिलिटी, आप रेज द हैंड फीचर एंड आपकी क्लास मिस ना हो उसके लिए आपके लिए नोटिफिकेशंस, लेक्चर्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आपको सेशन जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। तो आप सभी लोग अभी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। एंड सर, अनअकैडमी कॉम्बैट कब होने वाला है? जैसे 5 सितंबर को हुआ था, नेक्स्ट कॉम्बैट कब होगा? माय डियर 12 सितंबर को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है एट 11 AM पर। किन ब्रांच के स्टूडेंट दे सकते हैं? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें। एंड आप सभी के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। सर, इससे क्या हमें एडवांटेज होगा? माय डियर, अभी 6 मंथ में आप गेट एंड ईएससी तो दे लेंगे, बट ईएससी प्रीलिम्स दे पाएंगे। बट अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, तो माय डियर आपके लिए ये ऑफर बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ये जो ऑफर आप सभी स्टूडेंट के लिए गेट एंड ईएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी से ज्वाइन हो और इस ऑफर का एडवांटेज लें। चलिए, चलिए, गुड मॉर्निंग राइजा जी, गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग पीवी क्रिएटर, गुड मॉर्निंग संदना जी, गुड मॉर्निंग। सर, मैंने आपका कोर्स कंप्लीट किया था प्रीवियस ईयर मैथ्स का यूट्यूब से, अभी थोड़ा भूल गया हूँ। सर, प्रैक्टिस करनी चाहिए या कोर्स फिर से रिपीट करना चाहिए? विनय गुप्ता जी, आपको जो है प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी प्लस पर जो रैंक इंप्रूवमेंट बैच है उसको ज्वाइन करें बाय यूजिंग अवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि आपको
ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस मिल सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बेसिस पर, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट कर सके। चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए चलिए, यस। तो अभी हम लीनियर अलजेब्रा की पहले बात करें कि सर अभी लीनियर अलजेब्रा में हमारी कितनी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, हमारा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है, डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम रैंक के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके रैंक टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर सिर्फ हमारे पास क्या बचे हैं करने को, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो रैंक को आज हम कंप्लीट कर देंगे माय डियर, और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि गेट एग्जाम में आप सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर गेट एग्जाम में वन डिजिट रैंक और टू डिजिट रैंक लाने का सपना है, तो भैया आप सभी स्टूडेंट को मैथ्स एंड एफटी पर कमांड करनी होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कल आप देख सकते हैं कि कल जो हमने टॉपर वर्सेस एजुकेटर का सेशन लिया था, उसमें आपको बताया भी गया है टॉपर के थ्रू कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी गलती को करते हैं कि वो मैथ्स एंड एफटी को सही वे में नहीं करते। अगर आपने मैथ्स एंड एफटी नहीं किया है तो डियर आप वन डिजिट रैंक टू डिजिट रैंक के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मैथ्स एंड एफटी आपका तभी ठीक हो पाएगा जब उससे आप फील के साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड डेली डोज कंसेप्ट इनको करें। ओके, चलिए गाइस आगे की तरफ पढ़ते हैं माय डियर। चलिए, तो भैया अभी तक इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, रैंक ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स। यार हमने 4x4 तक निकाल दिया, यहां पर 2x2 की रैंक पूछी गई है। विवेक तिवारी जी, यार YouTube पे सब कुछ इनका हमने अवेलेबल करा दिया है यार, तो आप YouTube से चेक कीजिए, आपको YouTube पर मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग। यार वही मतलब मैं आपसे एक चीज बहुत बार डिस्कस करता हूँ, और ये चीज मैं जनरली इसलिए डिस्कस करते रहता हूँ क्योंकि यार आप लोग ना सही वे में अगर फील किया जाए तो एक्चुअल में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उसके पास अब जो है ना नोट्स एक्सेस मात्रा में हो गए। यस, नोट्स उस पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सर जी कैसे? यार देखिए, आप जो है जब पढ़ने बैठते हैं तो आप YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, इधर 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 इधर, और जब ये बहुत सारी चीजें मिलती है तो स्टूडेंट से जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, प्रिपरेशन करना जब वो स्टार्ट करता है तो वो सोचता है मैं सब कुछ करके जाऊंगा, मैं गेट एग्जाम में 65 में से 65 करूंगा, मैं जो है फर्स्ट रैंक मेरी ही होगी। यस, ये मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, बट जब आप इसके में ये सोचते हैं मैं सब कुछ करके जाऊंगा, मैं जो है वो करके जाऊंगा, तो उसमें आप स्टार्ट कर देते हैं अपना टाइम वेस्ट करना। कैसे? कि आप सोचते हैं यूट्यूब पर ये अवेलेबल है ये भी करूंगा, ये अवेलेबल है ये भी करूंगा, ये अवेलेबल है ये भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। माय डियर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी स्टूडेंट सेम उसमें टैलेंटेड नहीं रहते। कि कोई स्टूडेंट अगर देखे तो कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई सभी स्टूडेंट एक ही चीज में अच्छे नहीं होते। और अगर उसमें भी देखा जाए, पढ़ाई में भी देखा जाए, तो कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो कोई एफटी में अच्छा है, तो कोई सोम में अच्छा है, तो कोई टोम में अच्छा है, तो कोई इलेक्ट्रिकल्स के सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई पावर सिस्टम में, कोई नेटवर्क में, सब अलग अलग सब्जेक्ट में जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि गेट एग्जाम मुझे क्रैक करना है, तो माय डियर गेट एग्जाम को क्रैक करना ना एक कला है, कि आप उसे एक अच्छे तरीके से करेंगे तभी क्रैक होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब से गेट एग्जाम या ईएससी एग्जाम निकाला नहीं जा सकता, बट उस यूट्यूब पर जहां पर आपके लिए अथार कंटेंट मिल रहा है उसके लिए भी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, कि आप अगर उससे टैलेंट का यूज करेंगे तभी आप वहां से गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम जो आपके लिए नेशनल लेवल के एग्जाम है उन्हें क्रैक कर पाएंगे। बट स्टूडेंट इसी चीज को समझ नहीं पाता और उसी की वजह से वो कुछ भी वे में प्रिपरेशन करता रहता है, कुछ भी तरीके से प्रिपरेशन करता रहता है कि यस मैं करूंगा, और फिर जब गेट का रिजल्ट आता है देखता है वही 20 से 40 मार्क्स के बीच में, फिर सोचता है यार चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई तो किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा मैं इसमें बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा।
माय डियर आपको पता नहीं, आप एक चीज ध्यान से आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, जो आपके लिए स्लैब है ना 40 से 60 65 वाला जो स्लैब है ना, उसी स्लैब में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। यस, जो क्वालिफाई करते हैं उसमें 40 टू 65 के स्लैब में ही मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, और वह स्टूडेंट अगर देखेंगे तो उसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ईयर प्रिपरेशन कर चुके हैं और सेकेंड ईयर में 40 टू 65 के स्लैब में आते हैं, और वो वही स्लैब सबसे खतरनाक है, क्योंकि वही स्लैब आपको दो स्टेट में रखता है। पहला कि आपका मार्क्स अच्छा भी है और आपका मार्क्स जो है कम भी है। अच्छा इस बेसिस पर लगता है आपको कि यार 65 ले आया हूं या फिर 60 ले आया हूं, मुझे 75 80 क्रॉस करने के लिए 20 और 15 मार्क्स की जरूरत है, मैं आसानी से कर लूंगा। ये आपको कहता है कि मैं इससे आसानी से कर लूंगा, कि एक साल के प्रिपरेशन में इतना तो मैं इंप्रूवमेंट कर ही लूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको ये लगता है कि यार जो है मैंने जस्ट अभी गेट को क्रॉस ही किया है, तो माय डियर आप वहां पर बीच में हो जाएंगे किसकी तरह, फुटबॉल की तरह। और इसी उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो कहते हैं कि यार मैंने 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल तक लग गया मेरे, तो वो किसकी वजह से लगता है, वो लगता है आपकी मिस्टेक की वजह से। यस, और इसमें आपकी गलती सबसे बड़ी ये है कि आपने सब्जेक्ट को फील करने बैठ गए, आप सब्जेक्ट को पढ़ने पर बैठ गए, बट आपने कभी एग्जाम को फील नहीं किया। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आपने एग्जाम को फील नहीं किया कि एक्चुअल में एग्जाम क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर कभी आपने सोचा हो, कभी एक बार ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, कभी आपने ध्यान से सोचा हो कि यार यूपीएससी एग्जाम, ओके आईएएस का जब एग्जाम होता है तो उसका अगर सिलेबस देखा जाए तो कहते हैं कि सर वो समुद्र जैसा है। बट मुझे एक बात बताइए, जो स्टूडेंट उस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो क्या वो पूरे समुद्र को पढ़ते हैं? वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करते हैं, वो एक फोकस्ड चीज पर स्टडी करते हैं, वो पढ़ने से पहले सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस चीज को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में ये एग्जाम है क्या। और आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप एग्जाम को फील ही नहीं करते, और इस चीज के लिए आपको जो है एजुकेटर्स के गाइडेंस और इन सभी की बहुत जरूरत है। बट आप लोग अपने आप को जो है, कुछ स्टूडेंट 30 मार्क का समझते हैं कि नहीं यार देखते हैं क्या है। माय डियर ये जो टाइम है एटीट्यूड का नहीं, ये जो टाइम है एटीट्यूड का नहीं, ये टाइम है आपके प्रिपरेशन का, कि आप एक बेस्ट वे में जितना अपने आप को इंप्रूव कर सकें। कोई स्टूडेंट 5 बार रिवाइज करता है, वो 6वीं बार भी रिवीजन करने क्यों बैठता है? इसीलिए कि मुझे इंप्रूवमेंट करना, और जब वो 6th रिवीजन करेगा तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो उसमें वो इंप्रूव करेगा। जब वो 10 बार कर लेता तो वो जब 11वीं बार करता है तब भी इंप्रूवमेंट होता है। बट आप लोग जो है सबसे गलत चीज यही कर रहे हैं कि आप यार स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं कर रहे, ओके? चलिए चलिए, यस। और जो स्टूडेंट अभी ये सोचते हैं, माय डियर आपको गेट एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उस दिन अपने आप को फील करेंगे कि यार सर बिल्कुल सही कह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आइए अगर हम इसकी बात करें द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो भैया इससे आप 2 मेथड से कर सकते थे। मेथड नंबर 1, या आप इसका क्या निकालते, कि सजी 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज 0, इसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर कौन सा बन रहा है सजी 2 × 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो सजी इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 0, मींस इसकी रैंक जो है सजी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है 2 तो नहीं हो सकती। नाउ अब आपने क्या करा कि सजी मैं इसकी 1 × 1 की मैट्रिक्स बनाता हूं। जैसे आपने 1 × 1 की बनाई, आपने क्या कहा, यस एक जो हमारा 1 है उसकी सभी की सभी वैल्यू इसकी 0 नहीं है, मींस इसकी रैंक जो है सजी 1 तो होगी ही, क्योंकि रैंक 0 सिर्फ किसकी पॉसिबल है सजी, रैंक 0 इज पॉसिबल ओनली फॉर 0 मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड माय डियर सिंपल द मेथड 2। मेथड नंबर 2 आप क्या कहते हैं सर जी, अगर मुझे रिजल्ट पता है, अगर मुझे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताए तो वो याद है, तो आप क्या कहेंगे सर जी, अगर सभी की सभी रो 0 है और एक रो हमारी नॉन 0 है तो रैंक कितनी होगी इसकी, सर जी रैंक इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। और अगर आप इसे इक्वलन फॉर्म से भी सोचे तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये जो है 1 1 0 0 ये क्या है सर जी, ये खुद में एक इक्वलन फॉर्म है। यस नो, देखिए 0 रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, the leading non-zero element of the row must be right hand side of the previous leading non-zero element of the row, yes। तो आप देखिए
तो आप क्या कहेंगे सर, दिस इज एन इक्वलन फॉर्म, और ये अगर इक्वलन फॉर्म में है तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रैंक, तो आप इसकी रैंक क्या कहेंगे सर, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, सर ये इज इक्वल टू 1, यस और नो, यस सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, चलिए बताइए। और यार एक बात बताओ, जब जैसे आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते होंगे या फिर किसी ने की होगी किसी ने नहीं की होगी, जिन्होंने की होगी यार बहुत अच्छे से जानते थे कि आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है, आपके लिए जो बुकलेट्स क्वेश्चन बैंक बनाई जाती थी, आपके लिए जो डीपीपीस बनाई जाती थी, वो किस लिए बनाई जाती थी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, डेली अपने में इंप्रूवमेंट कर सके। और अगर आपको ये लगता है कि गेट एग्जाम के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो भैया आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि गेट एग्जाम के लिए ये सभी चीजें भी मस्ट है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आईआईटी के लिए या फिर इसके लिए, नो माय डियर फ्रेंड, ऐसी गलती मत कीजिए। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। बट अगर आपने सिस्टमेटिक स्टडी नहीं की तो इन दी एंड आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगेगा कि सर मैंने एक्चुअल में किया क्या, मुझे एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करनी चाहिए थी। ओके, नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप एक्चुअल में चाहते क्या है। सर मैं तो स्टार्टिंग से आपके गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फील भी होता है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। चलिए यार, कल एक टेस्ट हुआ था याद है, जितने लोग उस टेस्ट में प्रेजेंट थे, जितने लोग थे, आई थिंक 219 स्टूडेंट्स, सेशन के एंड होने तक 219 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था। उसमें अगर आप देखें तो जो क्वालिटी क्वेश्चंस थे, मुझे जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, मुझे जो भी स्टूडेंट लाइव प्रेजेंट है मुझे कमेंट करके बताइए, आपने इतनी क्वालिटी का टेस्ट कभी भी दिया है? इतनी क्वालिटी का टेस्ट मींस जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इतनी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपने देखे कभी एक टेस्ट में, इतनी क्वालिटी के क्वेश्चंस? और मैं ये आपसे लाइव पूछ रहा हूँ, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए गए थे, इतने सही से आपके टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई थी। और ये सिर्फ आपको टेक्निकली, आपको नॉन टेक ही नहीं, आपको टेक्निकल में भी जरूरत है। और जो लोग चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ नॉन टेक नहीं, हमें टेक्निकल में भी इसी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिले, माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आप सभी लोग हमारी टीम को ज्वाइन करें। और जिनको जरूरत है वह सभी स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट को इतनी ही क्वालिटी के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। चलिए भाई, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप क्या कहेंगे सर जी ये क्या है, सर 3x4 की मैट्रिक्स है। और अगर ये 3x4 की मैट्रिक्स है तो आप क्या कहेंगे सर जी, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और 3x4 की है, तो आप क्या कहेंगे सर, हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या इकोलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर मैं इकोलन फॉर्म के लिए यूज करूं तो दिस इज, लेट अस सपोज मैट्रिक्स का नाम दिया गया ए, चलिए दिस इज ए इज इक्वल्स टू 4, 2, 1, 3, 6, 3, 4, 7, दिस इज 2, 1, 0, 1। ओके, नाउ अगर आप इसे इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसे इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर जी सबसे पहले मुझे इन दो एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा। ओके, यस सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारी क्या है सर, ये दोनों हमारी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अगर हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे सर जी, सिंपल सा काम है, क्या कीजिए यार, देखिए एक काम कीजिए, इसे अगर आपको हटाना है तो आप क्या कीजिए सर, जो रैंक जो हमारी रो 2 है, उस रो 2 को 4 से मल्टीपल कीजिए, और रो 1 जो है उससे यार 4 में ज्यादा पैसा जाएगा, 4 से अगर करते हैं 24, दिस इज 24, एक काम करते हैं 2 से करते हैं, 2 से मल्टीपल कीजिए रो 2 को, -3 से मल्टीपल कीजिए रो 1 को, तो दोनों कितना जाएगा, ये भी 12, ये भी 12, एंड रो 3 को क्या कीजिए सर जी, रो 3 को
टू से मल्टीपल कीजिए रो थ्री को और उसमें से रो वन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ये किया तो आपकी मैट्रिक्स ए क्या आ गई सर जी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर, दिस रो इज सेम 2 4 2 1 3, दिस इज 12, दिस इज 12 माइनस 12 इज 0, दिस इज अगर आप इसमें 2 का इनटू करेंगे दिस क्वांटिटी इज 6 एंड दिस इज इसमें करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, ओके दिस इज 4, 4 इनटू 2 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, ओके दिस इज 7, 7 इनटू 2 इज 14, 14 माइनस 9 इज 5 एंड दिस क्वांटिटी इज 0, इसमें आपको 2 का इनटू करेंगे दिस क्वांटिटी इज अगेन 0, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी माइनस माइनस 2 एंड दिस क्वांटिटी इज इसमें आपने 2 का इनटू किया एंड माइनस दिस क्वांटिटी इज माइनस 1, यस और नो? अरे जल्दी से बताओ रे भैया, यस सर। अरे एक बार चेक कर लो सभी लोग कि भैया ऑपरेशन बिल्कुल सही लगा है कि नहीं, यस सर। और जैसे ही आपने इस ऑपरेशन को चेक किया, चलिए एक बार चेक कर लीजिए, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी 12, 12 माइनस 12 इज 0, ओके दिस क्वांटिटी इज 3 इनटू 2 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, ओके दिस इज 4 इनटू 2 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, ओके दिस इज 2 इनटू 7 इज 14, 14 माइनस 9 इज 5, बिल्कुल सही। इसकी अगर आप बात करें दिस इज अगेन 0, दिस क्वांटिटी इज 2 माइनस 2 इज 0, दिस इज 0 माइनस 1, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी माइनस 1 हियर, ओके नाउ अब आप क्या करेंगे सर जी, नाउ दिस इज आवर प्रॉब्लम, क्यों ये प्रॉब्लम है सर जी, हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो आपने क्या कहा सर दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, यस दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी बिल्कुल सही, बट दिस लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये जस्ट उसके नीचे आ रहा है, इसे सर राइट हैंड साइड में आना चाहिए, यस सर नो? तो आपने क्या कहा सर मुझे इस प्रॉब्लम को दूर करना है, और अगर आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप क्या कहेंगे सर जी, R3 में क्या कीजिए सर जी, R3 tends to 5 times of R3 minus of R2, यस सर नो? यस, दिस क्वांटिटी इज माइनस तो प्लस कर दीजिए, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 5, ओके तो जैसे ही आपने ये ऑपरेशन लगाया आपकी वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ a इज कम आउट टू बी 4 2 1 3, दिस क्वांटिटी इज 0 0, दिस इज 5, दिस इज 5, R3 कितना हो जाएगा सर जी, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0 एंड दिस क्वांटिटी इज 0। नाउ चलिए इक्विवेलेंट फॉर्म चेक कीजिए कि इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में है या नहीं, तो आपने क्या कहा जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यस सर जीरो रो अगर है तो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, तो आपने क्या कहा यस सर दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो, और कहां पर है सर जी राइट हैंड साइड में, मींस दिस इज इन equivalent form, and if this matrix is in equivalent form then the rank of the matrix is nothing but number of non-zero row in the equivalent form of the matrix is nothing but the rank, kitni hai bhai number of non-zero rows, 1 2, yes rank 2 is the right answer, jaldi se bhai sabhi ko samajh aaya bhai, chaliye aage ki taraf padhte hain bhai, the rank of this matrix थोड़े से पास करो भाई आज, रैंक के सारे क्वेश्चन निपटाते हैं ताकि कल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करिए, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 1 इज ओके, चलिए जल्दी से बताइए भैया, यस मनीष जी 1 PM पर क्लास है,
सजी रैंक इज टू, यस टू बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इन दो को देखते हैं तो आपने क्या कहा सजी, जैसे ही इन दोनों को देखा मैंने, जैसे ही इन दोनों को देखा तो आपने क्या कहा सर दीज आर वॉट सजी, ये है हमारी क्या आइडेंटिकल रो, ये कैसी रोज है सर आइडेंटिकल रो है, पर अगर ये आइडेंटिकल रो है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, यस और नो, और अगर इसका डिटर्मिनेंट इज जीरो इसका मतलब क्या है सर द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री तो नहीं हो सकती, तो आपने क्या कहा सर जी थ्री तो नहीं है, जीरो हो नहीं सकती है, बचा टू और वन, और यार टू और वन को चेक करने के लिए अगर हम बात करें टू इंटू टू की मैट्रिक्स लेते हैं, आपने ये पहले का पोर्शन ले लिया, अगर मैं यहाँ पर टू इंटू टू की मैट्रिक्स को कंसिडर करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी फॉर दिस टू इंटू टू मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट इज वन वन, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा सर दिस इज माइनस वन एंड दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कम आउट टू बी माइनस टू एंड नॉट इक्वल टू जीरो, तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा सर दिस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एम इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी टू, यस और नो, क्यों भाई क्योंकि हम जानते हैं सर हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर यही तो रैंक होता है, तो अगर आप बात करें नॉन जीरो माइनर हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है सर जी टू का, तो आपने क्या कहा सर इसकी रैंक कितनी होगी सर नथिंग बट इक्वल टू टू, ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, x is an pupil लिखा है ट्रिपल लिखा हुआ, आई थिंक देर इज टाइपिंग एरर हियर, लेट मी चेक, यस pupil नॉन जीरो वेक्टर, ओके द n into n मैट्रिक्स v is equals to x into x ट्रांसपोज, चलो भैया करो, ओके हैज अ रैंक 0 हैज अ रैंक 1 हैज अ रैंक n इज ऑर्थोगोनल, चलिए भाई यस माय डियर जल्दी से करिए फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताओ भैया, टेल मी फास्ट, सजी टू हैज रैंक वन, ओके यार आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सजी एन ट्रिपल नॉन जीरो वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ, क्यों भाई कमेंट करके बताइए, तो जितने ने आंसर दिया है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने बोला कि सर यहां पर ट्यूपल नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, तनमी एनीवन जल्दी से बताइए, अरे यार चलिए 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 भैया अगर आप इसकी बात करें ना तो इसका मतलब सिंपल सा होता है क्या सर जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है मेरे लाल इसका मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यस, और आपसे हमने ट्यूपल और ट्रिपल का इसलिए कहा था क्योंकि अगर यहां पे एलिमेंट तीन दिए हो तो शायद उन्होंने आई जे के आपको सिर्फ तीन उसमें कह रहा हूं, इसके लिए कहा था कि भैया उनकी जो वैल्यूज है नॉन जीरो, Now, अब बात आती है कि सर ये n ट्यूपल नॉन जीरो वेक्टर इससे कहने से मतलब क्या, ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालेंगे तो ये क्या आएगा सर जी नॉट इक्वल टू जीरो, क्या आएगा मेरे लाल सर जी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आपने x का ही डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट ऑफ x ही अगर मेरे लाल जीरो हो गया, क्योंकि भाई उसमें क्या है सर जी अगर हम बात करें तो सर जी एक रो हो सकती है या फिर एक कॉलम के फॉर्म में, जिस भी वे में आप लिखना चाहें, वैसे तो यहाँ पर हमें किस फॉर्म में दिया हुआ सर एक रो के फॉर्म में,
और अगर उससे भी हम जीरो कह रहे हैं कि उसका हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला तो आपने क्या कहा उससे भी हम जीरो कह रहे हैं, और नॉन जीरो वेक्टर्स मींस आपने उसके सभी एलिमेंट्स को जीरो नहीं लिया। ओके यस, अगर आपने सभी एलिमेंट जीरो लिए होते तो आप कह देते कि सर जी इसकी रैंक होगी जीरो, बट आपसे क्या कहा गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके यस, और सारे एलिमेंट अगर जीरो होते तो ऑटोमेटिकली आपके लिए अंडरस्टूड था कि इसका डिटर्मिनेंट, अगर सभी के सभी एलिमेंट जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। ओके तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बता के एन ट्यूपल नॉन जीरो वेक्टर के क्या आपको ये इंडिकेट कर रहा था कि आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझे, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमने कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका अगर आप माइनर निकालेंगे तो एक ना एक माइनर ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए भाई देन दिस वन, तो यार अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपने कहा कि रैंक ऑफ ए बी याद है, यस सर याद तो है, क्या होता था भाई रैंक ऑफ ए बी, सर द रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट सर मिनिमम ऑफ एम एंड एन, यस सर एम एंड एन मींस, अरे सिंपल सा पहले तो आपको इसका नाम एम एंड एन कर रहे थे, इससे मान लो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, यस सर फिर हम ए पर चलते हैं फिर बी की रैंक पर चलते हैं। ओके आपने कहा यस सर अगर हमें रैंक ऑफ ए बी निकालना तो वो क्या होती है सर मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, इनमें जो मिनिमम होगा। नाउ सर यहां पर ए और बी तो हमें दिख नहीं रहा, मेरे लाल मैं ए मान रहा हूं एक्स को और बी मान रहा हूं किसे, सर जी बी मान रहा हूं मैं एक्स ट्रांसपोज को, यस सर यस सर। एंड माय डियर अगर मैं इसमें आपसे बात करूं रैंक ऑफ एक्स कितनी होगी, सर जी ये नॉन जीरो वेक्टर है, सर ये नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारी, तो आप क्या कहेंगे सर अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या है नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये कितने ऑर्डर की है सर 1 × n के, तो इसकी रैंक कितनी होगी सर जी रैंक ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, यस सर। तो मुझे बताइए रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज कितनी होगी सर नथिंग बट इक्वल्स टू 1, यस माय डियर। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसलिए आप अगर मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी लेंगे तो आप क्या कहेंगे सर जी इसकी भी रैंक कितनी होगी सर जी 1 ही होगी, यस और नो, चलिए। हेलो अजय ठाकुर जी ऑप्शन 3 हैज रैंक एन, अरे भैया एक बात बताइए ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए 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 आपसे अगर मैं इसकी बात करूं कि आपने ये कहा है इसकी रैंक कितनी होगी सर जी इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सर जी, अगर यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर ना दिया होता तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 हो सकती थी, क्यों क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हो तो, बट इसने पहले ही कह दिया कि सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो इसकी रैंक कितनी होगी सर जी इसकी रैंक होगी कितनी सर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह दिया तो इसकी रैंक ऑफ एक्स कितनी होगी सर जी 1 ही पॉसिबल है, एन क्यों पॉसिबल है यार ये क्या है सर एक रो एंड एन कॉलम क्या ये पॉसिबल है जल्दी से बताइए, नो सर। सिमिलरली अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा सर जी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर कॉलम मैट्रिक्स की अगर आप बात करेंगे तो रैंक कितनी पॉसिबल रहेगी उसकी भी सर जी 1, तो मेरे लाल अगर आप रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे तो वो क्या होती है सर लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, यस डियर इस पे हमने प्रॉपर्टी भी बताई थी बट बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई प्रॉपर्टी भूल भाल गए इसलिए हमने सोचा ये बता देते हैं भाई ये भी बता देते हैं A is M into N full rank matrix with M greater than N and I is an identity matrix let A भाई ये क्या लगा हुआ ये ट्रांसपोज के ये किसके लिए साइन दिया T for the trans A dash is equals to A transpose A inverse A transpose then which one of the following statement is true okay चलिए करिए भाई फास्ट 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 जल्दी से करिए फास्ट मेरे लाल
चलिए जल्दी से करिए। एनीवन यार आप में से किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सिंपल सा तो क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर अभी तक क्यों नहीं आया? यार एक बात बताओ, सुनिए सुनिए, इधर पर ध्यान दीजिए भैया, आ जाओ इधर पर, इधर, अरे भाई पेन रखो और सभी लोग इधर पर ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए आइए, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे कि सर जी एक काम कीजिए, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ओके, उसका ऑर्डर एम ग्रेटर देन, उसका ऑर्डर एम इनटू एन की है, विद एम ग्रेटर देन एन, ओके। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो ये ए, दिस इज ए इनटू ए डैश, अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ए इनटू ए डैश कितना है सर जी, ए डैश है हमारा ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स एंड दिस इज ए ट्रांसपोज, यही है? जल्दी से बताइए, यस सर, अरे बोलो मेरे लाल, टेल मी यस और नो, यस, वेट अ सेकंड, लेट मी चेक, यस सर सही चीज आपने पूछा, थोड़ा सा चेक कर लेते क्वेश्चंस का, यस माय डियर ऑप्शन सभी सही है, यस ऑप्शन बिल्कुल सही ही है भाई। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप यहां पर क्या कहेंगे, सर जी ध्यान से सुनिए ना भाई, काम की चीजें बता रहा हूं, ठीक है? अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे, सर दिस क्वांटिटी इज ए इनटू ए डैश, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच, एक बात बताइए, दिस मैट्रिक्स में आपको किसका मल्टीप्लाई और करना है, सर जी ए का, अगर मैं इसमें ए का और मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज ए इनटू ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज मल्टीपल ऑफ ए, जल्दी से बताइए यही होगा, यस और नो, अरे जल्दी से बताओ मेरे लाल, हाँ या ना, यस सर। नाउ माय डियर अगर आप ए इनटू ए इनवर्स देखते हैं तो ए इनटू ए इनवर्स क्या होता है सर जी, नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है सर जी, ए इनटू ए इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस वन इज आल्सो आइडेंटिटी, ओनली दिस ए रिमेंस द सेम, तो आप क्या कहेंगे सर, दिस इज ए And this result is come out to be A. Means, अगर आप इन दोनों का ही करते तो ये हो जाता identity into identity matrix. And this quantity is come out to be an identity matrix. और जब आप इसी ही identity matrix में जिसका result इसका आपका identity matrix आ रहा है, जैसे ही आप इसमें A का multiply करेंगे, तो आपकी value क्या हो जाएगी? Sir, this is identity into A is nothing but an क्या हो जाएगा सर जी, A means what? Sir जी, matrix itself. Yes or no? सर जी कैसे, अरे यार इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ मेरे लाल, इधर आओ सर जी, नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो भाई, सुनो सुनो, जिसको नहीं समझ आया उसको फिर से बता देते, इधर आओ एक बार सभी लोग इधर देख लो यार, तो चीजें क्लियर हो जाएगी कि सर जी कैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपको समझ नहीं आया होगा। ध्यान से तुम अगर आप a डैश की बात करें तो ये कितना दिया हुआ, a ट्रांसपोज इनटू a होल a इनवर्स इनटू a ट्रांसपोज, ओके। नाउ अगर आप a में मल्टीप्लाई करते हो a डैश का, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, ये दिया गया है हमें इनवर्स, अगर आपको दिया गया है इनवर्स तो आप क्या कहेंगे, ए बी का इनवर्स क्या होता है, अगर मैं ए बी का इनवर्स निकालता हूं तो सर जी ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, यही होता है, यस सर। और अगर ये यही होता है तो आप क्या कहेंगे सर, दिस इज ए इनवर्स एंड दिस, ये फर्स्ट ए हमारा एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू देखें तो दिस इज ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज द इनवर्स इनटू व्हाट सर जी, ए ट्रांसपोज, यस सर, यस सर। एंड माय डियर अब अगर आप इसका पेयर बनाते, दिस इज ए इनटू ए डैश, इसकी अगर आप बात करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज हाउ मच सर, ए इनटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे और फिर उसमें ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर जी, इससे हमें क्या मिलेगा सर, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, और अगर यस भैया रिजल्ट में आपको सारी चीजें बताई है मैंने, और अगर ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
तो आप क्या कहेंगे सर, ए इंटू ए डैश आ रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज नथिंग बट ए। तो आप बताइए अब समझ आया कि आगरा इज द राइट आंसर। रिपीट कर दो एक बार प्लीज, अब समझ आया? अच्छा 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 ओहो भैया यहां पर ये जो है जो इनवर्स से यहां पर होना चाहिए, ठीक है, ये इनवर्स जो है यहां पर होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो भैया गेट के क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, किसी को लगता है कि सर जी आपने ऐसा लिख दिया तो गेट किस ईयर का क्वेश्चन है भैया? दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2008, गेट 2008 डबल ई ब्रांच 2 मार्क क्वेश्चन, आपको ये लीजिए। इतनी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, किसी को लगता है तो चेक कर लीजिए। अभी जब आपको पहले स्टेप में बताया तो डायरेक्टली हमने तो लगा था कि भाई यहाँ पर ये जो इनवर्स है सर क्वेश्चन के उसमें देखे तो हमारे तो भाई दिमाग में रटे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, तो हम तो भाई डायरेक्टली हमें ये लगा कि ये ए इनवर्स यहाँ पर, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर, सॉरी फ्रॉम माई सेल्फ। बट अगर आप देखें तो भाई ये इनवर्स आपका यहाँ पर है और आप जैसे ही करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी, जैसे आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे दिस रिजल्ट इज कम आउट टू बी ए है। अब बताओ भैया एक बार सभी लोग कमेंट करके कि आपको समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए फास्ट, क्लियर? यस, दो तो रिजल्ट यूज हुए, एक ये और एक दूसरा ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो रिजल्ट यूज हुए हैं उसमें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई बड़े सोचने वाली बात है, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए, यही आपके रिजल्ट यूज हुए अगर इसमें। चलिए अब समझ आया, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओह भैया ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, ए इज पी क्यू आर एस, बी इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी आर क्यू आर दिस वन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज एन, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज, क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, सर जी इस बार स्पेशल सेशंस नहीं हो रहे क्वेश्चंस के, माय डियर इस बार आपको जो है इस जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हो रहे हैं बट वो इन अ फॉर्म ऑफ डीपीपी शेयर किए जा रहे हैं, ओके इस बार जो है सभी क्वेश्चंस जो इन अ फॉर्म ऑफ डीपीपी शेयर किए जा रहे हैं। और आपने अगर पिछली बार देखा होगा तो कितने क्वालिटी के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं, ओके यस। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये कौन है, क्या कह रहे हो भाई 2n? ओहो प्रॉपर्टी को देखने के बाद भी भैया गलत कर रहे हो, क्या बात है यार। एंड आई थिंक मुझे जहां तक याद है मैंने इसका आपको जो है पी क्यू आर एस के फॉर्म में ही बताया था यार, थोड़ा सा तो ध्यान देते यार, पी क्यू आर एस के फॉर्म में ही हमने बताया था। आप देखिए अगर a ये है आपका, a की वैल्यू क्या है, दिस इज पी क्यू आर एस, ओके मान लो कोई मैट्रिक्स B है आपकी, तो B क्या है सर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा सर जी, P Q R दिस इज S, ओके सर जी। और अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं A इंटू A ट्रांसपोज, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी सर, हमारी वैल्यू आ रही थी पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर, दिस इज पी आर प्लस ऑफ क्यू एस, this is PR plus of QS and this quantity is P square plus of Q square and now my dear अगर आपके आपको क्या बताया गया, अगर आपकी rank of A जो है कितनी given है सर जी, N हमें rank given, the value of the rank of A is N, और अगर आपको rank of A N given है तो
रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या होगी सर जी, सेम होगी, कितनी होगी मेरे लाख सर जी, एन ही होगी। यार बताया था आपको ये पूरा के पूरा क्वेश्चन भी करवाया था, बट यार गेट का अभी यहाँ आ गया तो आपसे वो बना नहीं। हाँ, और अगर किसी को डाउट और भी है कि नहीं सर हमें ये मेथड समझ नहीं है, कोई बात नहीं, पी क्यू आर एस से पी की वैल्यू वन, क्यू की वैल्यू टू, इससे मान लो वन, इससे मान लो टू, इससे मान लो थ्री, इससे मान लो फोर, ओके कर लो भाई इससे। इसकी अगर आप रैंक देखेंगे तो सर जी इसकी रैंक आ रही है कितनी सर जी, यहाँ पर आ जाएगी ए की रैंक आ जाएगी हमारी टू। फिर इन सभी का आप क्या करिए सर, इन सभी की वैल्यूज यहाँ रख लीजिए तो फिर आप बी की रैंक निकाल लीजिए, उसकी भी वैल्यू आएगी टू, तो भैया आपकी रैंक कितनी होगी सर जी, एन ही रहेगी। और जिन महारथियों ने टू एन दिया, जैसे मनीष जी ने टू एन दिया है, और कौन था भाई, राइजा जी, एक बात बताओ अगर मैं इसकी रैंक टू मान लेता हूँ तो बी की रैंक आपने टू एन कहा है तो रैंक क्या फोर एन हो जाएगी, फोर हो जाएगी। अब मुझे बताइए क्या भैया टू इंटू टू की मैट्रिक्स की रैंक फोर पॉसिबल है, तो आंसर देने से पहले सोचा तो करिए, तीन तीन चार चार तरीके एक क्वेश्चन को करने के। अगर मेथड वन से जाते हैं तो ये मेथड वन होगी, ओके दिस इज मेथड वन, ओके यस। मेथड टू से जाना है तो आप एक काम करो, क्या करो मेथड नंबर टू में आप पी क्यू आर एस दिया गया है तो आप ये जो मैट्रिक्स है पी की जगह पर रख दो वन, क्यू की जगह पर टू, आर की जगह पर थ्री और एस की जगह पर फोर, बस वन टू थ्री फोर रखो। ये यहां से आप रैंक ऑफ ए निकालोगे तो रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है सर जी टू। अब इन पी क्यू आर एस की जो वैल्यूज है उन्हें यहां पर रख दो, यहां से आपका आ जाएगा सर जी बी की मैट्रिक्स, जैसे ही आप रैंक ऑफ बी निकालोगे भैया वो भी टू आ जाएगी, ओके। तो पता नहीं फोर क्या सोच के दे रहे थे भाई। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओहो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, बहुत ही बढ़िया, डराने की कोशिश की गई सर, मेथड तो सारे माइंड में थे बट हो गया थोड़ा, भैया ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें ना सालों साल अखरेगी अगर गेट एग्जाम में ये चीजें हो गई तो इस चीज को लाइटली ना ले, इस चीज को थोड़े से सीरियस वे में लीजिए, अगर ऐसी गलती गेट एग्जाम में हो गई ना पूरे साल पछताओगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। सर जी कहाँ आती डीपीपी, भैया एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है स्टूडेंट्स आपके लिए, ओके जो भी पल्लव लाइफ टीम मेंबर्स हैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप पर हम शेयर करते हैं ताकि सभी लोग उसका एडवांटेज ले सके, और उसमें जो है स्टूडेंट्स को आज से जो हमारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चीज है उसके भी डीपीपी शेयर की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए, ओके एंड आपके लिए उसमें जो लिमिट्स का जो आज रिवीजन होगा उसके नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए 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 करो भैया द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, टेल मी फास्ट। चलिए आइए The rank of this matrix 6044 minus 2 14 8 18 14 14 0 minus 10 okay। तो सजी ये जो दो है ये हमें दिख रही है प्रॉब्लम हमारी, इक्वलन फॉर्म में अगर करना है तो इन दोनों को सजी जीरो करना होगा, और अगर हमें इसे इक्वलन फॉर्म में करना है और इसे अगर जीरो करना है तो क्या करें भाई, सजी एक काम करिए रो 2 जो है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और रो वन से ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6, यस सर। एंड अगर मैं रो 3 की बात करूं तो एक काम करिए सर जी, रो 3 में क्या करें सर जी, एक काम कीजिए रो 3 में सर जी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 42, एंड इसमें क्या करिए सर जी रो 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 42, हाँ है ना, यस सर। और जैसे ही आप इसे जीरो करने गए आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज 6,
दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 4, फर्स्ट रो एज इट इज। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 से मल्टीप्लाई किया और आपने इससे ऐड किया, दिस इज 0। ओके सर जी, दिस इज 14 इनटू 3 इज 42, दिस इज 0। ओके, दिस इज 3, दिस क्वांटिटी इज 24, 24 प्लस 4 इज 28। ओके, दिस इज 18 इनटू 3 इज 54, 54 प्लस 4 इज 58। ओके, नाउ इसकी अगर मैं बात करूं 3 से इनटू करता हूं, दिस इज 42 एंड दिस इज 0। ओके, दिस इज माइनस 42 एंड दिस इज 0। ओके, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी 0 एंड 7 से करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज माइनस 28। चलिए, एंड दिस क्वांटिटी इज माइनस 30 एंड दिस क्वांटिटी इज प्लस 28। यार ये माइनस 30 है, माइनस 10 ही है कि और कुछ था? जल्दी से बताइए, ये हमारा माइनस 10 ही है। चलिए, अगर आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस क्वांटिटी इज माइनस 30 प्लस 28, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच? माइनस 2। ओके, चलिए भाई, अब अगर आप बात करें तो आपने क्या कहा, सर दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, दिस इज द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट एंड सर जी दिस इज अवर प्रॉब्लम, दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर प्रॉब्लम। और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे सर जी, एक काम कीजिए, R3 जो रो है उस R3 को R2 से ऐड कर दीजिए, और जैसे ही आपने ऐड करा, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 4। ओके, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 42 एज इट इज, दिस इज 28 एंड दिस इज 58। और जैसे ही आपने इससे ऐड किया, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज अगेन 0 एंड जैसे आपने इससे ऐड किया तो ये हो जाएगा कितना सर जी, 56। जल्दी से बताइए भाई, यस और नो, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, यस और नो, यस कहां पर भाई? यार आई थिंक ये भी हमारा जीरो होना चाहिए, दिस क्वांटिटी इज आल्सो जीरो, बट अगर इसकी बात करते हैं तो 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इट्स ओके, दिस क्वांटिटी इज दिस वन एंड दिस क्वांटिटी इज -30 प्लस 7 टाइम्स ये करेंगे तो दिस इज 28 -2 ही होगा। अब ये 4 है या -4, लेट मी चेक, यस रैंक के इसके अकॉर्डिंगली हमारी भाई 3 आ रही है। कितने लोगों की रैंक 3 आई भाई? जल्दी से बताइए, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कम आउट टू बी 3। कितने लोगों की भैया रैंक 3 आई है? जल्दी से बताइए, 3 आ रही है भाई रैंक? यस यस, अगर बाय चांस टाइपिस्ट से कहीं एरर हुआ हो तो अगर ये -4 है तो रैंक हो जाएगी 2, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये वाली हमारी कितनी रहेगी सजी, ये हो जाएगा हमारा -50। ओके, और इसके क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी रैंक कितनी आ रही है सजी, 3। यस, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फास्ट, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 1, ये 1 होगा ना, इक्वल टू 1। ओके, दिस वन आई थिंक इन दिस वे, ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे एंड द वैल्यू ऑफ आई एंड जे इज इन बिटवीन 1 टू एन विद एन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके, ए आई जे इक्वल टू आई जे, the rank of the matrix A is, चलिए चलिए बताइए भैया, अरे जल्दी से बताइए फास्ट। यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है,
यार इससे कैपिटल एन नहीं स्मॉल एन ही होगा। चलो इधर देखो क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है अगर थोड़े से उसमें सोचोगे ना। ठीक है यार इसको तो डायरेक्टली आप देख के कह देते थे कि सर इसकी रैंक जो है क्या होगी वन होगी, बट सर जी कैसे? एक बात बताओ यार आपको दिया गया ए की जो वैल्यू है वो है क्या ए आई जे। ओके भैया आपने उस मैट्रिक्स को क्या कहा ए आई जे। ओके एंड द वैल्यू ऑफ आई एंड जे इज इन बिटवीन वन टू एन एंड द वैल्यू ऑफ एन जो है कितनी है मैक्सिमम सजी थ्री। ओके नाउ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं आपकी ए आई जे की वैल्यू क्या है ए आई जे की वैल्यू आई इंटू जे द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप एक सिंपल सा काम करो सिंपल सा आप एक छोटी सी चीज सोचिए अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं आप निकालिए फर्स्ट रो। सिंपल सी बात आपसे मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट रो निकालो तो आप क्या कहोगे सर जी फर्स्ट रो क्या होगी? सर फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे सर जी सिंपल से होंगे क्या होंगे सर जी अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू वन तो क्या होगा सर जी वन इंटू वन। सेकेंड क्या होगा जल्दी से बताइए सेकेंड क्या होगा सर जी सेकेंड की अगर बात करें तो होगा वन इंटू टू दिस इज वन इंटू थ्री यस सर इसी फॉर्म में होंगे यस सर। अगर मैं आपसे इसमें सेकेंड रो पूछता हूं तो ये क्या होगा सर जी टू इंटू वन दिस इज टू इंटू टू अरे आप तो एन की ही मान लो टू इंटू थ्री यस सर नो एन की वैल्यू थ्री से आपको दिया गया कि थ्री से बड़ी है तो आप कोई भी थ्री के बराबर या थ्री से बड़ी है तो आप तो थ्री का ही मान लो। तो मुझे बताइए आप एंड सो ऑन जितने में भी जाओगे आपको क्या दिख रहा है सर जी ये जो रोज दिख रही है वो क्या है सर जी प्रोपोर्शनल रो आने वाली कैसी रोज आने वाली है सभी की सभी सर जी प्रोपोर्शनल रो क्यों आएगी भैया क्योंकि सर जी अगर मैं किसी एक रो की बात करूंगा सर जी कोई भी एक पर्टिकुलर रो की बात करूंगा सर जी उस रो में सर जी नंबर ऑफ रोज हमारा चेंज होते जाएगा बट जो कॉलम वाला एलिमेंट है वो तो हमारा सेम ही रह रहा है जो कॉलम वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो कॉलम वाला एलिमेंट सेम है तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट रो के लिए वन सर आई की वैल्यू सेकंड रो के लिए क्या है सर जी टू मतलब है तो प्रोपोर्शनल टू से इंटू करो सेम टू सेम आपकी फर्स्ट रो आ जाएगी। अगर आप थर्ड में गए तो यहां पर क्या आ जाएगा सर थ्री इंटू वन तो यहां पर आप क्या करिए सर जी फर्स्ट रो में थ्री का इंटू करो फर्स्ट रो थर्ड हमारी आइडेंटिकल हो जाएगी। मींस ओवरऑल ये रोज जितनी भी है सभी के सभी प्रोपोर्शनल रो और अगर आपकी जितनी नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल रोज है उसमें से अगर आप बात करें उसमें इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जितना भी नीचे का पोर्शन है इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे का पोर्शन सभी क्या हो जाएगा सर जी जीरो जीरो इन इक्वलन फॉर्म। और अगर ये सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे इन इक्वलन फॉर्म तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा सर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रैंक। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट सर जी वन क्योंकि सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो बचेगा हमारा इक्वलन फॉर्म। बताइए भैया ये झांसी जी ने बॉम्बे दिया था बाकी एस्पिरेंट जी दे रहे हैं कलकत्ता। भैया कलकत्ता किस बेसिस पर आपने एन माइनस वन दिया है हमें भी कुछ समझाइए कि हम भी समझे किस बेसिस पर दिया है एन माइनस वन। यस झांसी जी बिल्कुल सही जल्दी से सही अब समझ आया कि नहीं। जल्दी से बताइए हाँ या ना यस और नो। चलिए चलिए यस रैंक वन इज द राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से कीजिए लेट ए बी अ फोर इंटू थ्री रियल मैट्रिक्स विद रैंक टू। ओके उसकी रैंक कितनी दी गई है टू दी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज लेस देन टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन टू एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कैन बी एनी नंबर बिटवीन वन टू थ्री। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए यस टेल मी। अरे भैया
क्या रहेगा इसका आंसर? सर जी इसका आंसर बॉम्बे रहेगा भैया। इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आपको बताए थे वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैंने भाई इसका आपको प्रूफ भी दिया है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जाके आप एक बार चेक कर लो, आपको मैंने इसका प्रूफ भी दिया है। और सर कैसे आपने प्रूफ दिया था, किसी को अगर प्रूफ भी देखना तो भैया आपको एग्जाम्पल PQRS वाले से ही दिया था मैंने, याद है, जो कि क्वेश्चन जस्ट अभी किया है। तो आपने एक बार इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जाके देखिए, ये सभी बताए। यस साधना जी बिल्कुल सही, यस ऑप्शन टू झांसी जी, ऑप्शन टू सुबी जी, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। चलिए द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, भैया अब मैं ना ये नहीं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में गलती करे और इस टाइप के क्वेश्चन को एक मिनट से ज्यादा लगे। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब मैं चाहूंगा कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताइए, यार स्क्वायर मैट्रिक्स से फटाफट डिटर्मिनेंट से ही निकाल लो। अगर आप इसकी बात करें डिटर्मिनेंट, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 6। डिटर्मिनेंट निकालो तो सर जी दिस क्वांटिटी इज 0, ओके दिस 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, this quantity is again 60, minus this quantity is come out to be 0, this quantity is 60 minus and this quantity is minus 60, means determinant 3 into 3 की अगर आप बात कर रहे थे तो आया 0, means सजी rank 3 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती इसकी rank। अगर मैं 2 into 2 की बात करूंगा तो आप क्या कहोगे, कोई भी ले लो सर, सबसे पहले ही ले लिया हमने 5, 10, 1, 0, कितना आ रहा है सर जी, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसका डिटरमिनेंट, मींस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स M इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी, 2, यस और नो, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर कितने उसका है सर जी, सर जी हाईएस्ट ऑर्डर आपका कितने का है सर जी, 2 into 2 का, यस। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट, ओहो चलिए करिए भाई, 1 - 1 0 0, ओके 0 0 1 - 1 0, 0 1 - 1 0 0, -1 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 0 1 - 1। चलिए करिए भाई, यार 5 × 5 की मैट्रिक्स दे दिए, चलो बहुत ही बढ़िया भाई, 5 × 5 की मैट्रिक्स दे दी, क्या बात है। इधर आइए, इधर आइए, याद है आपको मैंने क्या बताया था कि आप इंटरचेंज रोज को कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई इंटरचेंज रो को, सजी जीरो का ध्यान रख के कि अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो जिस रो में है लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले तो उसे सबसे पहले लेते हैं एंड देन हम उसे उस ऑर्डर में जमाते जाते हैं। तो अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या कहा, सर जी इसमें 3 जीरोस है, ओके तो इसे सबसे बॉटम में रखते हैं, अगर 3 जीरोस है इसमें सर जी 2 जीरोस है और इसमें क्या है सर जी 1 जीरो है, ओके तो फर्स्ट रो को तो हम एज इट इज रहने देते हैं, 1 - 1 0 0 0, यस सर नो, ओके तो हम क्या करते हैं सर जी एक काम करिए, R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है सर जी 1 जीरो है और 1 जीरो हम यहां पर चाहते हैं, चाहते हो कि नहीं भाई, या अगर मुझे लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड में चाहिए तो इसके नीचे तो वैसे भी जीरो चाहिए मुझे सर, यस सर नो, यस सर, तो हमने क्या करा एक ही जीरो यहां पर है तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, this quantity is -1, this is 0, this is 0, okay and R2 R3 को interchange किया तो this quantity is 0, this is 0, this is 1, this is -1 and this is 0, okay। अब हम क्या करते हैं सर जी ये जो दो rows हैं इन दोनों को interchange कर देते हैं, किसे सर जी R4 and R5 को interchange कर देते हैं, जैसे R4 और R5 को आपने इंटरचेंज किया तो यहां पर तो सर जी हमें वैसे ही 3 जीरो चाहिए थे, 0 0
जीरो, दिस क्वांटिटी इज वन, दिस इज माइनस वन, ये कितना हो गया सर जी, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज वन। ओके, तो आपने क्या कहा सर जी, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड। बट ये प्रॉब्लम आ गया सर जी, अगर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं आता तब तो हमारा काम हो गया होता। अरे बताओ, यस सर, यस सर। और अगर आपको इसे जीरो करना है, और सर जी सिर्फ इसे जीरो नहीं, मुझे ये भी जीरो चाहिए, मुझे सर जी ये भी जीरो चाहिए, मुझे सर जी ये भी जीरो चाहिए, तभी तो मेरा ये कितना होगा सर, ये जब सभी जीरो होंगे तभी तो ये मैट्रिक्स हमारी किसमें कन्वर्ट होगी, इक्वलन फॉर्म में। यस सर। और सर ये कैसे सभी जीरो होंगे, अगर मैं आर वन और आर फाइव को ऐड करता हूं तो चलिए ये जीरो हो गया, बट ये माइनस वन और ये सर जीरो है, सर जीरो हो पाएगा क्या, बताओ, नहीं हो पा रहा है सर। तो फिर क्या करें सर, एक काम करो, जैसे आपने देखा वन माइनस वन, माइनस वन वन, सर जी माइनस वन वन, सर माइनस वन वन, मीन्स अगर मैं सर सभी की सभी रोज को ऐड कर देता हूं, मीन्स सर जी फॉर आर फाइव में अगर ऑपरेशन लगा देता हूं, आर फाइव टेंड्स टू आर वन प्लस ऑफ आर टू प्लस ऑफ आर थ्री प्लस ऑफ आर फोर प्लस ऑफ आर फाइव, तो मुझे बताइए अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो आर फाइव कितना होगा सर, वन प्लस माइनस वन, तो ये वैल्यू कितनी हो रही भाई, इस ऑपरेशन के बाद लिख रहा हूं, ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद ये लिख रहा हूं, क्योंकि यार फालतू में हमारी मैट्रिक्स बहुत बड़ी बनेगी। तो आपने क्या कहा सर, ये कितना हो जाएगा इस ऑपरेशन के बाद, चलिए यहां लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, वन माइनस वन जीरो जीरो जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो, दिस इज जीरो 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 वन माइनस वन। तो आप सभी को अगर ऐड करेंगे आर फाइव के लिए तो क्या होगा, वन माइनस वन इज जीरो, वन माइनस वन इज जीरो, वन माइनस वन इज जीरो, सर जी माइनस वन वन इज जीरो, और इसे करेंगे वन माइनस वन दिस क्वांटिटी इज जीरो। तो आपने क्या कहा, यस सर, नाउ दिस मैट्रिक्स इज इन इक्वलन फॉर्म, चेक करिए सर जी, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, है कि नहीं भैया जीरो रो एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पर, यस सर जीरो रो है, और कहां पर है सर जी, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पर, जो हम चाहते थे। और अगर आप लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट सर जी ये देखिए सभी के सभी क्या है, राइट हैंड साइड में, मींस दिस इज इन इक्वलन फॉर्म, और अगर ये इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स आ गया है तो आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है सर जी, 1 2 3 4, मींस द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कम आउट टू बी 4। यस राइजर जी, जासी जी, साधना जी, सुबी जी, बिल्कुल सही, यस और नो। चलिए 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 चलिए, यार तीन चार क्वेश्चन और बचे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल से क्वेश्चन है, सेम ही सेम टाइप के आपके घुमाकर क्वेश्चन, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, और उसमें से भी ना, उसमें से भी ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से क्लास में कर चुके हैं, तीन पांच में से तीन क्वेश्चन, आई थिंक दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तीन क्वेश्चन बाकी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछे, कल की क्लास में इन्हें जस्ट जो है 15 टू 20 मिनट्स में इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, चलिए जल्दी से भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट ले लिया भाई, चलिए दिस वन, ओके दिस वन, ये क्वेश्चन तो क्लास में कर चुके हैं, चलिए दिस वन, चलिए चलिए, यस ये चार क्वेश्चन है, उसमें से दो क्वेश्चन ही करना है, दो तो हम कर चुके हैं चार से पांच क्वेश्चन में, ओके चलिए गाइस। तो यार आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें प्रिपरेशन एक बहुत ही बढ़िया वे में करनी है,
और जितना आपको समझाया गया, अगर आपको समझ आता है माय डियर चीजें, तो माय डियर किसी भी प्रकार से इस गेट एग्जाम को आप लाइटली ना लें। आप सभी लोग जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम से कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को हमारी टीम में कनेक्ट करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, इन सभी की प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट करें और गेट एग्जाम में एक बहुत अच्छी रैंक लेकर। एंड जो भी स्टूडेंट अभी हमारे टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है, माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको लिंक दी गई है, आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए पल्लव लाइव और हमारी टीम की पिक देखकर आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आप इससे जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी। अगर आप प्लस चाहते हैं, देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। But don't forget to use our team code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप iconic चाहते हैं, तो my dear friend, for the iconic आप अपना plan को iconic choose कीजिए, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month. And code तो भैया same ही रखना है क्या? Pallav Life. And आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, माय डियर फ्रेंड, आप अनअकैडमी पर मुझे इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए ऐसा गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च कीजिए पल्लव कौर, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक दी गई है, आप उसके थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators. Right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. We'll be right back.
to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the